हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हो, हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करना चाहते हो, तो स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे शुरुआत करनी है, कहाँ से सस्ता मिलेगा, कौन से देश को टारगेट करना है, कैसे कंपनी बनानी है, इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं हूँ हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल की तरफ से हमारे चैनल एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर मैं हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस शुरू करूं तो सबसे पहला स्टेप यही है कि मुझे सबसे पहले एक फर्म बनानी है, जीएसटी नंबर लेना है, करंट अकाउंट ओपन करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है और उसके बाद एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप लेनी है। अब आप कहेंगे सर, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल हैंडीक्राफ्ट की कौन सी है? बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूं, डोंट वरी, कोई चीज छूटेगी नहीं। हैंडीक्राफ्ट की एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है epch.in। ये स्टेप करने के बाद अब सबसे बड़ी बात, कितने तरीके के हैंडीक्राफ्ट होते हैं, किन हैंडीक्राफ्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, किस में मैं काम करूं, पहले जानिए कि हैंडीक्राफ्ट में आप क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहें तो गिफ्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अगरबत्ती एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मेटल वेयर्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वुडन आर्टिकल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हैंड प्रिंटेड टेक्सटाइल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शॉल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जरी जिसमें की जाती है, जैसे सपोज करिए लेडीज सूट होते हैं, लेडीज कपड़े होते हैं, उसमें जरी का काम होता है, तो जरी से रिलेटेड कोई भी काम, वो भी हैंडीक्राफ्ट में ही काउंट होता है। इमिटेशन ज्वेलरी का बहुत अच्छा काम है, बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है, मार्जिन बहुत अच्छे हैं, तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अतर्स की बात करूँ, बहुत फेमस है कन्नौज के अतर, बहुत फेमस है और अच्छा मार्जिन मिलेगा और अनलिमिटेड डिमांड मिलती है इसके अंदर, तो ये भी आप कर सकते हैं। पॉटरी प्रोडक्ट्स की बात करूँ, आप जानते ही हैं इसकी डिमांड तो वर्ल्ड वाइड ही है, किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, किसी भी होटल में जाइए, पॉटरी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, कटलरी मिल जाएगी, तो ये आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेदर प्रोडक्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका एडवांटेज मिल सकता है। ब्रास और कॉपर के आर्टिकल्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बैम्बू के आर्टिकल्स, बैम्बू के प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शेल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हैंडीक्राफ्ट, तो यानी हाथ से बनी हुई कोई भी चीज हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, हर प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, प्रोडक्ट की तो समझ आ गई, अब सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला स्टेप ये भी होता है कि मेरे पास यार जेब में पैसे कितने हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 25 से 50,000 में आप इजीली शुरू कर सकते हैं और आपको 100 से 200% भी मार्जिन इसमें मिल सकता है एक्सपोर्ट में। चाहे तो आप कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हैं। कम क्वांटिटी है तब भी चलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी है तब भी चलेगा। सर्टिफिकेशन इसके चाहिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबरशिप इसमें चाहिए। कॉम्पिटिशन की बात करूँ तो कम कॉम्पिटिशन है, कारण देखिए यार 200 प्लस देश हैं, अप्रॉक्स 200 देश कहे जाते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी किसी भी देश में बिक सकता है, चाहे वो सस्ता हो या चाहे वो महंगा हो, तो चॉइस आपकी है। सबसे आसान काम है इसको शुरू करना, अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं, किसी भी स्टेट की मार्केट में जाएंगे तो उस स्टेट के कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट मिल ही जाएगा। अभी मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि किस स्टेट के हैंडीक्राफ्ट सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ताकि उस स्टेट से भी आप जाके सस्ते रेट पर ले सकते हैं और आगे अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स को भी अपना माध्यम बना सकते हैं, लोकल भी आप काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी आप काम कर सकते हैं। दोस्तों, मुरादाबाद से आप हैंडीक्राफ्ट सस्ते रेट पे ले सकते हैं, पीतल नगरी कहा जाता है उसको, ब्रास की बहुत आइटम्स हैं वहां पे, पूरा भरा पड़ा है मार्केट, सारा ब्रास का ये समझ लिए आर्टिकल्स जितने भी हैं वहीं तैयार किए जाते हैं। सहारनपुर जाएंगे तो सहारनपुर से आपको वुडन आर्टिकल्स मिल जाएंगे, तो वुडन आर्टिकल्स वहां के बहुत फेमस है, ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिरोजाबाद से आप ग्लास और ग्लास से रिलेटेड आर्टिकल्स कोई भी हैं तो वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। राजस्थान की बात करूं तो जयपुर जोधपुर के आ जाते हैं, वहां से आप कोल्ड्स ज्वेलरी टेक्सटाइल फर्नीचर आयरन आर्टिकल्स ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गुजरात की बात करूं तो जितना भी एम्ब्रॉयडर्ड आर्टिकल्स है वो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या इन शॉर्ट बोलूं, देखो यार हैंडीक्राफ्ट की कोई कमी नहीं, किसी भी एक स्टेट को उठा लो, कहीं ना कहीं कोई अच्छा प्रोडक्ट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। अब दोस्तों, चलो हैंडीक्राफ्ट में मिल गए, पैसा भी लगा लिया, कंपनी भी बना ली, RCMC भी ले ली, अब शुरुआत कैसे करनी है? अब अगला चैलेंज क्या? अगला चैलेंज आपके लिए आएगा पैकेजिंग का। हाँ दोस्तों, पैकेजिंग का, एक सेकंड, पैकेजिंग का क्यों बोल रहा हूँ? कारण
ज़्यादातर क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट को हम भेजते हैं जिन लोगों को पैकेजिंग की नॉलेज नहीं होती, हैंडीक्राफ्ट रास्ते में ही डैमेज हो जाता है। आप खुद सोचिए, अगर मुझे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया कोई हैंडीक्राफ्ट भेजना है, यहाँ से कितनी बार लोडिंग अनलोडिंग होगा, कंटेनर में स्टफिंग भी की जाएगी, उसके बाद उसको शिप पे चढ़ाया भी जाएगा, फिर वहाँ जाके भी वो अनलोड होगा, और कितना ट्रैवल करेगा। तो पैकेजिंग का ध्यान आपको ज़्यादा रखना है। पैकेजिंग की कॉस्ट, अब जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको एक एरर सी लगेगी, भाई पैकेजिंग की कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, प्रोडक्ट वो सेलेक्ट करिए जिसमें मार्जिन अच्छे हों और पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे, सर क्या बायर हमें पैकेजिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे देगा? बिल्कुल देगा। यार एक बात बताओ, जब हम कोई LED TV अपने घर में लेके आते हैं तो वो गत्ते के बॉक्स में पैक होके आता है, ठीक है? अब अलग से तो कंपनी नहीं कहती ना कि इस गत्ते के बॉक्स का मुझे अलग से चार्ज करो। वो क्या करती है, वो प्रोडक्ट के अंदर ही सारी कॉस्टिंग ऐड करती है। तो जब भी आपको बायर को प्राइसिंग देनी है ना, ये सारी प्राइसिंग देनी है। आप ये मत सोचिए कि अगर मैं पैकिंग हल्की कर देता हूँ, या सपोज करो आपके बायर ने बोला ही नहीं पैकेजिंग के बारे में, उसको भी नॉलेज नहीं है। हम एक बार ये भी मान लेते हैं यार, उसको भी नॉलेज नहीं है, उसने आपको ऑर्डर दे दिया, उसको ये पता है कि मेरा प्रोडक्ट सही सलामत आएगा, मैं आगे बेचूंगा या अपने घर पर लगा लूंगा, लेकिन हमें तो नॉलेज है। अगर हमने पैकेजिंग गलत की और उसको प्रोडक्ट डैमेज मिला, तो क्या वो मुझसे दोबारा माल लेगा? तो माइंड को सेटल करके चलिए, बी अ बिजनेसमैन। आपको बायर को क्रैक करना है, उसे बेवकूफ नहीं बनाना, उसे गलत प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बेचना। पैसा कमाना है ना भाई, तो ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ता है बिजनेस में। तो चाहे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं या मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, दोनों चीजें ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं पैकेजिंग के बारे में, कितनी तरीके की पैकेजिंग होती है। देखिए इसमें क्या है, ज़्यादातर वुडन बॉक्सेस का यूज़ होता है, और उसके बाद पैलेट्स पैकेजिंग का भी यूज़ किया जाता है। जितना हो सके उसे बबल रैपिंग करिए, थर्मोकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है, कुछ कंट्रीज में थर्मोकॉल पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फ्रेजाइल स्टिकर्स को ज़रूर लगाइए, और जितना हो सके लेबलिंग पे फोकस करिए। अब लेबलिंग कैसे करनी है, लेबलिंग क्या होती है, लेबलिंग अगर आपको करनी है तो लेबलिंग पे मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेबलिंग पे आपको इंपोर्टर और एक्सपोर्टर, बायर और सेलर दोनों की डिटेल्स होनी चाहिए, प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, उसका HS कोड होना चाहिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन भी मेंशन होना चाहिए, प्रोडक्ट की डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए, और एक कॉपी जो है पैकिंग लिस्ट की, वो भी आप चाहें तो बॉक्स के ऊपर चिपका सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट करें, नहीं तो लॉस हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, नहीं देखे तो एक बार जाके देखिए, हम जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, तो पूरा एक्सपोर्ट हाउस इंपोर्ट हाउस विजिट कराते हैं, पोर्ट में विजिट कराते हैं, एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि देखो यार स्टफिंग कैसे करनी है, अनस्टफिंग कैसे हो रही है, क्या क्या रिस्क रहता है, कितने तरीके की पैकेजिंग है। तो जब आप लाइव देखते हैं ना, आपको बिल्कुल ईजिली समझ में आ जाता है। तो अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, मैं फिर बार बार कहता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिना सीखे बिल्कुल मत करिए। हमारी ट्रेनिंग चलती है ऑफलाइन और ऑनलाइन, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव एक्सपोर्ट और लाइव इंपोर्ट कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें डिटेल में हम समझाते हैं। आपका सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, बायर कैसे मिलेगा? यार बायर की टेंशन मत करो, बायर बहुत ही आसान है मिलना। अभी पिछले महीनों तो हमने सेप्टेम्बर में मुंबई में बायर सेलर मीट ही करा दिया था। तो बायर की टेंशन मत लो, हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, हम वहाँ पे पूरा पोस्ट और पूरी रील डालते रहते हैं। देखो यार यहाँ पे बायर सेलर मीट हो रही है, यहाँ पे आप ज्वाइन करो, आप सामने बैठो और बायर को क्रैक करो। तो बायर की टेंशन नहीं है, लेकिन अगर बायर आपके सामने बैठ भी गया, आपसे डील हो भी गई, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं पता, तो क्या करोगे? खुद सोचो, क्या कहोगे बायर को, सर मैं सीख के आऊँगा तब आपसे बात करूँगा? क्या इतने टाइम तक बायर रुकेगा? तो पहले सीखो और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे काम करो। ये वीडियो जो है ना, ये एक रेफरेंस वीडियो है आपको समझाने और सिखाने के लिए, इसीलिए हम इसको इतनी आसान भाषा में तैयार करते हैं। अगर वीडियो समझ आया तो भी बताइए, नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम ज़रूर उसका आंसर आपको देंगे। अब मुझे जब एक्सपोर्ट करना है तो मुझे बिलिंग भी करनी पड़ेगी, मुझे इन्वॉइस भी तैयार करने पड़ेंगे, मुझे कमर्शियल इन्वॉइस तैयार करना पड़ेगा, मुझे क्या कहते हैं पैकिंग लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन तैयार करना पड़ेगा, शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए, और उसके बाद
आप एक्सपोर्ट करिए, गवर्नमेंट की क्या फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, क्या इंसेंटिव है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे ज़्यादातर कमोडिटीज़ में होता है आप एक्सपोर्ट करें तो गवर्नमेंट उसे बैन कर देती है और हमें पता ही नहीं, हम स्टार्ट हो गए उसे एक्सपोर्ट करना, बाद में लॉस हो जाता है। तो इसीलिए हम नहीं चाहते आपका लॉस हो, अगर आप बिजनेस करें तो प्रॉफिट कमाएं ही कमाएं। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करिए, बहुत अच्छा है। मैं नहीं कहता कि एक नया बिजनेस अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो लाखों करोड़ों रुपए लगाइए। चैनल पे बने रहिए, सिखाते रहेंगे, हर बार आते रहेंगे और आपसे प्यार पाते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ, वहाँ पे मैं भी एक्टिव रहता हूँ, तो वो ज़रूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे सर्च में जाके हर्ष धवन डालेंगे तो मेरी फ़ोटो ही आ जाएगी और सारा का सारा चैनल आ जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।